अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज हम एक खास इंस्टीट्यूट पे आए हैं जिसका नाम है वुमेन्स वर्ल्ड यानी औरतों की दुनिया। हम यहाँ के कुछ असातिज़ा से जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे क्या ख्याल आते हैं उनके कि उन्होंने ये स्टार्ट किया है। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम साइमा है जी। और मैं बुहारी कदल से हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं सिखाती हूँ बहुत सारे कोर्सेज लाइक कटिंग, टेलरिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, मेहंदी कोर्सेज है, कुरैशी है, तिला वर्क है, बहुत सारी। वी हैव 25 कोर्स इन टोटल। तो यहाँ पर हम वही सिखाते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो है वो अपना जो है वो अपने पैरों पर खुद खड़े हो जाए और इंडिपेंडेंटली वर्क करें। ये कोर्सेज हम सिखाते हैं इनको ज़्यादा ये अफोर्डेबल रेट्स पर हम सिखाते हैं, ज़्यादा कुछ इनको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये जो इन्वेस्टमेंट होता है ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, उसके बाद ये अपना जो काम है ये खुद कर सकते हैं और अपने पैरों पे खुद खड़ा हो सकते हैं जी। मैं जान सकती हूँ कि ये स्टार्ट कब से हुआ है, एस्टेब्लिश कब हुआ है? सो इसकी फाउंडेशन हो गई है 2002 में जी। और तब से लेकर अभी तक ऑलमोस्ट अराउंड 11 साल हो गए हैं और यहाँ से ऑलमोस्ट 40,000 लेडीज और गर्ल्स जो है वो उन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है और वो इंडिपेंडेंटली इस टाइम वर्क कर रहे हैं। ओके, कितने कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है? वी हैव 25 कोर्सेज इन टोटल हियर। ओके, मतलब मैं जान सकती हूँ कि यहाँ से कितनी लड़कियाँ जो ट्रेन होके चली गई है यहाँ से, जिन्होंने सर्टिफिकेट हासिल की है? ऑलमोस्ट 40,000 गर्ल्स। ओके, थैंक यू। मेरा नाम मलिहा है और मैं राजौरी कदल से हूँ। मैं यहाँ से 2 महीने से आ रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आई थिंक इट्स द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ कि मैं यहाँ आई, क्योंकि बहुत अच्छा सिखाता है यहाँ पे और मुझे लगता है कि इससे इंसान जो है इंडिपेंडेंट भी हो रहा है। तो आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे आके। आप क्या सीख रहे हैं यहाँ पे? जी, मैं यहाँ फैशन डिज़ाइनिंग एंड मेहंदी डिज़ाइनिंग सीखती हूँ। कितना टाइम से आप सीख रहे हैं? 2 महीने मुझे हो गए। आपको लगता है कि यहाँ की टीचर्स जो है वो बच्चे में इंटरेस्ट दे रहे हैं? आपको मतलब आप क्या देता है बाकियों को मैसेज कि यहाँ आने के लिए? टीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो टीचर्स जो है बहुत ज़्यादा प्ले रोल करते हैं चाहे कोई भी फील्ड हो। आई थिंक जो इस इंस्टीट्यूट में टीचर्स है, आई थिंक दे आर वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स। उन्होंने वो हमेशा हमें बहुत अच्छे से सिखाते हैं, बहुत 100% अपना वो देते हैं और हर किसी स्टूडेंट का जो कोई भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी हो, वो हमेशा दूर करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक उन्होंने जो है हमेशा 100% दिया है और हमें बहुत अच्छे से वो सिखा रहे हैं। आई थिंक वो एक रीज़न है कि हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा। आपका नाम? मेरा नाम शाजिया है जी। क्या सीख रहे हैं? मैं फैशन डिजाइनिंग सीख रही हूँ 2 महीने से। 2 महीने से। तो आपको लगता है कि यहाँ पे एक अच्छी खासी फैशन डिजाइनिंग? जी हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छे से सिखाते हैं, मतलब टीचर्स भी अपना 100% देते हैं। ओके, यहाँ पे बहुत अच्छे से सिखाते जी। आपको मतलब लगता है कि आप बाकी लड़कियों को क्या मैसेज देते हैं, बाकी औरतों को क्या मैसेज देते हैं कि वो यहाँ आए और अपना काम करें? जी, मैं बाकी लड़कियों को मैसेज देना चाहती हूँ कि वो यहाँ पे आए, वो बहुत कुछ सीखेंगे यहाँ पे, मतलब आगे उनको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा किसी पे, वो इंडिपेंडेंट रहेंगे किसी के, मतलब आपका नाम मैम? अबीना। ओके, आप क्या सीखते हैं यहाँ से? जी, मैं कुरैशी का कोर्स कर रही हूँ और फैशन डिजाइनिंग का भी कोर्स कर रही हूँ। कितने टाइम से आप सीख रहे हैं? अबाउट 2 मंथ्स। ओके, क्या लगता है कि यहाँ की टीचर्स इंटरेस्ट दे रहे हैं सिखाने में? जी जी बिल्कुल, हमारी मैम बहुत अच्छी है, अच्छे से सिखा रहे हैं जी।
क्या क्या मैसेज रहेगी आपकी बाकियों तक, बाकी लड़कियों तक, बाकी औरतों तक? हाँ, मुझे यही लगता है कि मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वो यहाँ पर आए, क्योंकि यहाँ पर इंसान बहुत मतलब कोर्स सीख सकता है और वो अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि आज जॉब का मिलना काफ़ी मुश्किल हो गया है, तो आई थिंक दिस इज़ द वे कि हम आगे बढ़ सकते हैं। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन कोई हेल्प है इनको, एनजीओ या गवर्नमेंट से कोई इनको स्कीम मिल रही है, कोई हेल्प मिल रही है? ना, हमें कोई भी हेल्प गवर्नमेंट से नहीं मिल रहा है। जो भी हम यहाँ पे करवा रहे हैं वो हम खुद ही कर रहे हैं। तो हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट से कि वो हमें थोड़ा सा हेल्प करे, क्योंकि हमारे पास जो मेजॉरिटी ऑफ गर्ल्स होते हैं वो यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो अगर ऐसा कुछ होता, हमारे पास गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट होता, तो मे बी हम उन गर्ल्स के लिए फ्री कोर्सेज करवाते, फ्री कोर्सेज रखते, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे भी गर्ल्स हैं जो कोर्स करना तो चाहते हैं बट वो ये कोर्स फी भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सो हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट को कि वो यहाँ आए और हमारी कुछ हेल्प करे, ताकि जो गर्ल्स है जो ये कोर्स फी भी अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उनके लिए कुछ कर सकें।